Hello everyone, today we are going to do a new poem and the poem is The Rebel of class 7th NCERT Honeycomb book. The poem is written by DJ Inright. बच्चों जो पोयम हम पढ़ने जा रहे हैं रिबेल, रिबेल की मीनिंग क्या होती है सबसे इम्पोर्टेंट ये है. तो रिबेल मीन्स होता है विद्रोही, विद्रोही यानी अपोज करने वाला. जो किसी भी चीज़ का अपोज करता है उसे हम रिबेल बोलते हैं और ऐसा व्यक्ति रिबेलियन कहलाता है. ओके, तो ये आप पोयम बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम है, इसको हम पढ़ते हैं. Do you know anyone who always disagree with you or your friends? क्या बच्चों आप जानते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को जो आपका फ्रेंड्स हो, या मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपसे और आपके फ्रेंड से हमेशा डिसएग्री रहता है, यानी हमेशा असहमत रहता है, और लाइक्स टू डू द अपोजिट ऑफ व्हाट एवरीवन थिंक दे शुड डू, और हमेशा वो जो काम आप करते हैं हमेशा उसके अपोजिट ही करना चाहता है. थिंक ऑफ ए वर्ड टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन. तो सोचो ऐसे व्यक्ति के लिए आप कौन सा वर्ड यूज़ करोगे. तो सीधी सी बात है, ऐसे व्यक्ति के लिए हम रिबेल वर्ड यूज़ करेंगे. जो हमेशा कोई एक पर्सन कुछ करता है वो हमेशा उसके अपोजिट वर्क करता है, तो वो पर्सन रिबेल कहलाता है. डिस्कस विद योर पार्टनर सम ऑफ द थिंग्स सच अ पर्सन जनरली डज. किसी ऐसे पर्सन के बारे में अगर आप जानते हैं जो इस टाइप का है, तो ज़रूर आप अपने पार्टनर के साथ उसको डिस्कस करिए. नाउ रीड द पोयम. अब हम पोयम रीड करते हैं. बच्चों पहले हम पोयम पूरा पढ़ ले रहे हैं, आप इसका प्रोनंसिएशन अच्छे से देख लीजिए, फिर हम अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे. ओके. व्हेन एवरीबॉडी हैज शॉर्ट हेयर द रिबेल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग. व्हेन एवरीबॉडी हैज लॉन्ग हेयर द रिबेल कट्स हिज हेयर शॉर्ट. व्हेन एवरीबॉडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन द रिबेल डज नॉट से अ वर्ड. When nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance. When everybody wears a uniform, the rebel dresses in fantastic clothes. When everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses soberly. In the company of dog lovers, the rebel expresses a preference of cats. In the company of cat lover, the rebel puts in a good word for dogs. When everybody is praising the sun, the rebel remarks on the need for rain. When everybody is greeting the rain, the rebel regrets the absence of sun. When everybody goes to the meeting, the rebel stays at home and reads a book. When everybody stays at home and reads a book, the rebel goes to the meeting. When everybody says yes please, the rebel says no thank you. When everybody says no thank you, the rebel says yes please. It is a very good that we have rebels. You may not find it very good to be one. DJ Inright. देखिए बच्चों, इसमें पोयम ने एक रिबेल, कोई भी पर्सन जब रिबेल होता है तो वो कैसे रिएक्ट करता है, कैसा रिएक्शन देता है सोसाइटी के बीच में, उसके बारे में पोएट ने बताया है. तो लाइन बाय लाइन हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. देखिए फर्स्ट टू लाइन्स में क्या कह रहे हैं कि व्हेन एवरीबॉडी हैज शॉर्ट हेयर द रिबेल लेट्स हिज हेयर लॉन्ग. यानी जब लोग अपने बालों को छोटा रखते हैं, सभी लोग छोटे बालों का पैशन रहता है और छोटे बालों को छोटा रखते हैं. द रिबेल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग. उस टाइम पे रिबेल क्या करते हैं, अपने बालों को लंबा कर लेते हैं, क्योंकि उनका काम ही होता है अपोजिट वर्क करना, यानी जो सोसाइटी में चल रहा होता है वो उसके अपोजिट वर्क करते हैं. व्हेन एवरीबॉडी हैज़ लॉन्ग हेयर, और जब सभी के बाल लंबे हैं सोसाइटी में, द रिबेल कट्स हिज हेयर शॉर्ट. उस टाइम रिबेल क्या करते हैं, अपने बाल को छोटा रखते हैं. When everybody talks during the lesson, जब कोई lesson चल रहा होता है और लोग आपस में मतलब किसी topic पे लोग discuss कर रहे होते हैं, तो the rebel does not say a word. उस time पे rebel कुछ एक word भी नहीं बोलते, यानी silent होके उनकी बात को सुनते हैं. क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि उनको oppose करना है. When nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance. और जब कोई भी बात नहीं कर रहा होता है, सब लोग शांति से बैठे होते हैं, कुछ अपने वर्क कर रहे होते हैं, शांति रखते हैं, उस टाइम रिबेल क्या करते हैं, क्रिएट अ डिस्टर्बेंस, यानी डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं. तो
तो ये ऐसा क्यों करते हैं, इसका भी हमें रीज़न आगे पोयम में मिलेगा कि ऐसा करना उन लोग को, मतलब ऐसा तो नहीं करना चाहिए बट ऐसा उनकी आदत क्यों होती है। आगे देखिए, वेन एवरीबडी वियर्स अ यूनिफॉर्म, जब लोग क्या करते हैं यूनिफॉर्म पहनते हैं, यानी कहीं की प्रॉपर यूनिफॉर्म होती है, ड्रेस होती है, ड्रेस कोड होता है, उसको पहन के जाते हैं, तो द रिबेल ड्रेसेस इन फैंटास्टिक क्लॉथ, तब रिबेल क्या करेंगे कि एक फैंसी ड्रेस में चले जाएंगे, फैंसी क्लॉथ को पहन लेंगे और वो यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे। वेन एवरीबडी वियर्स फैंटास्टिक क्लॉथ, और जब लोग फैंटास्टिक फैंसी क्लॉथ्स पहनेंगे तब रिबेल क्या करेंगे, सोबरली, द रिबेल ड्रेसेस सोबरली, तो रिबेल एक सोबर ड्रेस पहन लेंगे, तब वो एक एकदम सोबर सी एकदम वैसी ड्रेस पहन के चले जाएंगे जबकि लोग वहाँ पे फैंसी क्लॉथ्स पहने होते हैं। इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स, जब कहीं पे चार लोग इकट्ठा होंगे और वो सारे क्या होंगे, डॉग्स लवर होंगे, यानी डॉग प्रेमी होंगे, वो लोग डॉग की तारीफ कर रहे होंगे, तो द रिबेल एक्सप्रेसेस ए प्रेफरेंस फॉर कैट, उस टाइम रिबेल क्या करेंगे कि डॉग से ज़्यादा वो प्रेफरेंस कैट को देंगे, लोग डॉग की तारीफ करेंगे तो वो बोलेंगे नहीं डॉग से अच्छी तो कैट होती है और हम लोग को डॉग नहीं कैट पालना चाहिए। इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स द रिबेल पुट्स इन अ गुड फॉर गुड वर्ड फॉर डॉग्स, और जब कैट लवर्स की बात आती है, जहाँ पे कैट लवर्स होते हैं सब कैट की तारीफ कर रहे होते हैं, तो उस टाइम रिबेल क्या करते हैं, उस टाइम रिबेल कैट की नहीं बल्कि बोलते हैं कि डॉग ज़्यादा अच्छे होते हैं और हम लोगों को डॉग पालने चाहिए। देखिए इससे आपको क्या मिल रहा है, आपको इससे ये पता चल रहा है कि उनका कोई खुद का डिसीजन नहीं होता, उनकी खुद की डिसीजन मेकिंग भी नहीं होती है और पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं होता है, बस उनका उनका एजेंडा क्या होता है, उनका एजेंडा केवल होता है कि हमको अपोज करना है, यानी जो कोई भी बोलेगा उसको अपोज करके हमको उसका अपोजिट बोलना है। ओके, इसमें पोएट ने विदाउट एनी बिटरनेस एंड क्रिटिसिज्म, ये हमारे सामने एक रिबेल की स्टोरी रखी है कि रिबेल का नेचर कैसा होता है, उनका एक कंट्राडिक्टरी एटीट्यूड होता है। ओके, और उनका मकसद क्या होता है, उनका मकसद केवल अपने ऊपर अटेंशन होता है, अटेंशन पाना होता है, और वो सोसाइटी के नॉर्म्स लॉस को फॉलो नहीं करते हैं, उनका विद्रोह करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जब लोग फैंसी ड्रेस पहन के जाएंगे और हम सोबर ड्रेस पहन के जाएंगे तो लोग मेरी तरफ ज़्यादा ध्यान आकर्षित होगा, लोग हमें ज़्यादा अटेंशन देंगे, और उनका कोई मतलब नहीं होता, कोई मकसद नहीं होता है। ओके, आगे देखिए, व्हेन एवरीबॉडी इज प्रेजिंग द सन, जब लोग सन की तारीफ करते हैं, ऐसे लोग बैठे हुए जहाँ पे सन की खूब तारीफ हो रही है, यानी सूरज की, द रिबेल रिमार्क्स ऑन द नीड फॉर रेन, तो देखिए रिबेल क्या बोलेंगे कि नहीं सन से ज़्यादा इस टाइम बारिश की आवश्यकता है, यानी धूप की ज़रूरत नहीं है इस टाइम, तो बारिश की आवश्यकता है, जबकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सही कह रहा हो, बस उसका मकसद तो मैंने बताया ही कंट्राडिक्टरी है। When everybody is greeting the rain, अब जब सब कह रहे हैं कि नहीं बारिश होना चाहिए, बारिश की ज़रूरत है, the rebel regrets the absence of sun, तो वो regret कर रहा है किस चीज़ पे, कि absence of sun, यानी sun को इस टाइम होना चाहिए था और सूर्य की ज़रूरत है इस टाइम, धूप की ज़्यादा ज़रूरत है बारिश के रिस्पेक्ट में। आगे देखिए, when everybody goes on the meeting, जब सारे लोग मीटिंग जा रहे हैं, कोई मीटिंग कर रहे हो, यानी वर्किंग टाइम है, उस टाइम पे रिबेल क्या कर रहे हैं, द रिबेल स्टेज एट होम एंड रीड्स अ बुक, उस टाइम रिबेल अपने घर पे रुका हुआ है और क्या कर रहे हैं, बुक रीड कर रहे हैं, जबकि काम करने का टाइम है। When everybody stays at home and reads a book, the rebel goes to the meeting. और जब ऐसा टाइम है, मान लीजिए विंटर वेकेशन है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, तो लोग ज़्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे कि कोई मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया जाए, घर पे ही ज़्यादा टाइम स्पेंड किया जाए, तो उस टाइम पे लोग जब घर पे रहेंगे, बुक रीड करेंगे, तो रिबेल क्या करेंगे, मीटिंग को जाएंगे। जैसे इस टाइम क्या चल रहा है, इस टाइम कोरोना का टाइम चल रहा है, तो लोग क्या ज़्यादा प्रिफर कर रहे हैं कि लोग घर में रहें, बुक रीड करें और कोरोना से लोग डरें, तो रिबेल इस टाइम क्या बोलेंगे, नहीं पूरी दुनिया कहेगी कोरोना है, वायरस है, भयानक है, और रिबेल क्या बोलेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, स्कूल्स ओपन होने चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें, रिबेल का कोई मकसद नहीं, उनको बस अपोज करना है। तो व्हेन एवरीबॉडी, जब लोग घर पे रुके हुए हैं और बुक पढ़ रहे हैं, तो उस टाइम रिबेल क्या करेंगे, मीटिंग अटेंड करेंगे। When everybody says yes please, the rebel says no thank you.
जब लोग क्या कहेंगे, व्हेन सारे लोग बोलेंगे यस दिस, यानी जब कोई चीज़ उन्हें दी जाएगी या कोई चीज़ पूछी जाएगी तो वो उसको हाँ बोलेंगे कि हाँ ठीक है, तो उस टाइम पे रिबेल क्या बोलेंगे, नो थैंक यू, वो ये कह के टाल देंगे कि नहीं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, जबकि लोग उस चीज़ को प्रिफर कर रहे हैं, लोग यस बोल रहे हैं। व्हेन एवरीबॉडी सेज नो थैंक यू, जब सारे लोग इस चीज़ को मना कर देंगे यानी उस टाइम पे उस काम की ज़रूरत नहीं होगी, वो बोल देंगे नहीं नहीं धन्यवाद मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, तो उस टाइम पे रिबेल क्या कहेंगे, यस प्लीज़, तो रिबेल उस टाइम उसको उस काम को करेंगे, हाँ बोल देंगे। जैसे इस टाइम बाहर खाना पीना नहीं चाहिए, तो इस टाइम पे अगर हमें कोई कोई चीज़ देता है तो हम क्या बोलते हैं, नो थैंक यू, लेकिन रिबेल क्या बोलेंगे, नहीं नहीं मुझे चाय पीनी है, यस प्लीज़। तो इस टाइप के लोग होते हैं। इट इज़ वेरी गुड डैट वी हैव रिबल्स, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे चारों तरफ रिबल्स हों। ओके, सोसाइटी में रिबल्स होने अच्छी बात है। इससे क्यों अच्छी बात है, इससे हमें पता चलता है, थॉट्स पता चलती है, लोगों की सोचने का तरीका पता चलता है। अगर सारे लोग एक ही चीज़ को प्रिफर करेंगे, एक ही चीज़ को पसंद करेंगे, तो हम लोग का जो माइंड है वो काफ़ी संकुचित हो जाएगा, हम लोग आगे चीज़ों को नहीं सोच पाएंगे। तो रिबल्स क्या करते हैं, हम लोग के माइंड को डाइवर्ट करते हैं, हम लोग के सोचने की थॉट, सोचने की प्रोसेस को चेंज करते हैं। बट पोइट क्या कहते हैं, ये तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे अगल बगल रिबेल हों, बट यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, लेकिन आप इनमें से एक नहीं होने चाहिए, आप रिबेल की कैटेगरी में नहीं आने चाहिए। यानी जब कोई चीज़ किसी को कर रहा हो तो उस टाइम आपका नेचर ऐसा कंट्राडिक्ट्री नहीं होना चाहिए कि जब लोग यस बोल रहे हैं तो आप नो बोलो, जब लोग नो बोल रहे हैं तो आप यस बोलो। ओके, पोएट क्या कहना चाहते हैं कि हमारे अगल बगल तो रिबल्स है ही, लेकिन आप इस बात को ध्यान दीजिए कि कहीं आप रिबल की कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं। तो आपने पूरी पोयम को पढ़ी है और आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। अब आप खुद सोचिए कि आपके अगल बगल कौन रिबेलियन कैटेगरी का है और आप किस कैटेगरी के हो। ओके, और अगर आप इस कैटेगरी के हो तो आप अपने आप को चेंज करिए, क्योंकि ये कोई अच्छी कैटेगरी नहीं है। हमें अपने सोच समझ के काम करना चाहिए। ये सही है कि दूसरों की हाँ में हाँ नहीं मिलाना चाहिए, बट हमें काम को सोच समझ के करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए अगर कोई काम कर रहा है तो हम उसको करेंगे, कोई उस काम को नहीं कर रहा है तो हम उस काम को नहीं करेंगे। अब हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज पे, आते हैं वर्किंग विद द पोयम, जो पोयम्स में कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं उस पर हम आते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, If someone does not wear a uniform to school, what do you think the teacher will say? अगर आप कभी यूनिफॉर्म स्कूल पहन के नहीं जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि टीचर क्या करेंगे? The answer is, I think the teacher will scold the student if he/she does not wear a uniform to school. सीधी सी बात है, अगर जहाँ पे यूनिफॉर्म लगी हुई है, स्कूल कॉलेजेस हैं, अगर वहाँ पे कोई यूनिफॉर्म नहीं पहन के जाएगा तो टीचर्स कॉल करेंगे, यानी टीचर्स को डांटेंगे। एक बार फिर हम रिपीट कर दे रहे हैं, आप अच्छे से सुन लीजिए। क्वेश्चन क्या है आपका, इफ समवन डज नॉट वियर अ यूनिफॉर्म टू स्कूल, वॉट डू यू थिंक द टीचर विल से? The first answer is, I think the teacher will scold the student if he/she does not wear a uniform to school. The second question is, when everyone wants to clear a sky, what does the rebel want most? जब स्काई पूरा क्लियर होगा तो उस टाइम रिबल क्या सोचेंगे, रिबल क्या चाहते होंगे? सीधी सी बात है कि उनको भाई उसके अपोजिट ही कुछ भी बोलना है। तो द आंसर इज, व्हेन एवरीवन वांट्स अ क्लियर स्काई, द रिबल वांट टू द सन टू शो अप। वो क्या सोचेंगे कि सूरज को दिखना चाहिए। द थर्ड क्वेश्चन इज, इफ द रिबल हैज अ डॉग फॉर अ पेट, व्हाट इज एवरीवन एल्स लाइकली टू हैव? The third answer is, if the rebel has a dog for a pet, everyone else are likely to have cats as a pet. सीधी सी बात है, अगर रिबेल ने डॉग को पाला हुआ है या डॉग को प्रेफरेंस दी है तो उस टाइम सारे लोगों ने क्या पाला होगा या सारे लोग किस चीज़ को पसंद कर रहे होंगे, तो अगर उसके अपोजिट ही पसंद करेंगे, यानी अगर रिबेल ने डॉग पाला है तो सारे लोग उस टाइम कैट को लाइक कर रहे होंगे। ओके, इसको हम रिपीट कर रहे हैं, थर्ड वाला, इफ द रिबेल हैज अ डॉग फॉर अ पेट, एवरीवन एल्स इज लाइकली टू हैव कैट्स एज पेट्स। द क्वेश्चन फोर इज,
Why is it good to have rebels? पोइट ने किस तरीके से बताया है कि रेबल्स हमारे लिए क्यों अच्छे होते हैं? अब इसका आंसर देखिए. द आंसर इज इट इज गुड टू हैव रेबल्स बिकॉज दे मेक द सोसाइटी लिवलियर एंड दे टीच अस टू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट द डिफरेंस बिटवीन द थॉट प्रोसेस ऑफ पीपल अराउंड अस. एक बार हम फिर से रिपीट करें, इसको आप देख लीजिए. इट इज अ गुड टू हैव रेबल्स बिकॉज दे मेक द सोसाइटी लिवलियर एंड दे टीच अस टू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट द डिफरेंस बिटवीन द थॉट प्रोसेस ऑफ पीपल अराउंड अस. द क्वेश्चन फिफ्थ इज Why is it not good to be a rebel oneself? पोइट ने ये तो कहा है कि हमारे अगल बगल रिबेल होना अच्छा होता है, बट उन्होंने कहा है कि खुद रिबेल हमें नहीं होना चाहिए. Why? ऐसा पोइट ने क्यों कहा है? द आंसर इज इट इज नॉट गुड टू बी अ रिबेल oneself बिकॉज अ रिबेल इज ऑलवेज criticized बाय द सोसाइटी एंड पीपल टेक टाइम टू एक्सेप्ट द रिबल्स. यानी रिबल्स जो होता है वो हमेशा लोगों के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा क्रिटिसाइज किया जाता है. यानी क्रिटिसाइज मीन्स क्या होता है, आलोचना की जाती है उसकी, वो किसी के द्वारा लाइक नहीं किया जाता है. और ऐसे लोगों, ऐसे रिबेल लोगों को लोग पसंद नहीं करते हैं और अपनी सोसाइटी में उनको एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगता है. तो इसलिए बोलते हैं पोएट कि हम लोग को रिबेल नहीं होना चाहिए. एंड द क्वेश्चन सिक्स इज Would you like to be a rebel? If yes, why? If not, why not? Question repeat करें, आप लोग समझिए. Would you like to be a rebel? If yes, why? अगर आपको rebel होना पसंद है या आप rebel को like करते हैं तो क्यों करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं? The answer is yes, I would like to be a rebel because I want to change those norms of the society that do not serve the humanity. इसमें मैंने एक लिखा है, इसका सबका अलग अलग होगा. ऐसा नहीं है कि सब लोग, कुछ लोग रिबेल को पसंद करते होंगे, कुछ लोग रिबेल को नहीं पसंद करते होंगे. तो इसमें आपको अपना थॉट लिखना है कि आप किस चीज़ से एग्री करते हैं. रिबेल लोग अच्छे होते हैं, रिबेल लोग बुरे होते हैं. ओके, तो हमने एक एग्जांपल के तौर पे लिख दिया है कि यस आई वुड लाइक टू बी अ रिबेल. यस, रिबेल होना अच्छा होता है क्योंकि वो सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उनको चेंज, जो सब लोग सोचते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, उनको कम से कम चेंज करने की पावर उनके अंदर होती है, वो उतना सोच सकते हैं. ओके, आई वॉन्ट टू चेंज दोज नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी डैट डू नॉट सर्व द ह्यूमैनिटी. ओके, ये आपका हो गया है. अब देखिए सेकेंड में क्या दिया हुआ है. Find in the poem and antonyms a word opposite in meaning for each of the following words. जो following words दिए हुए हैं इनका antonyms हमें लिखना है. Antonyms क्या होता है, इनका opposite लिखना है. तो first is long. Long का antonyms क्या होगा, short होगा. ये तो आप लोग जान ही रहे हैं. Long means क्या होता है, लंबा. Short means क्या होता है, छोटा. Grow का क्या होगा, cut होगा. Grow means होता है बढ़ना, cut means होता है काट देना. Okay. थर्ड इज क्वाइटनेस. क्वाइटनेस का क्या होगा, डिस्टर्बेंस. क्वाइटनेस मीन्स होता है शांति और डिस्टर्ब मीन्स क्या होता है, विघ्न डालना या खलल डालना किसी चीज़ में, डिस्टर्ब करना. फोर्थ सोबर. सोबर का एंटोनिम्स क्या होगा, फैंटास्टिक. आपने पढ़ा था कि लोग जब फैंटास्टिक फैंसी ड्रेसेस पहनते हैं तो उस टाइम रिबेल क्या करेंगे, सोबर सी ड्रेस पहनेंगे. यानी एकदम नॉर्मल सी ड्रेस पहन के चल जाएंगे, उसमें फैंसी जैसा नहीं होगा कुछ भी. एंड द लास्ट लॉस्ट. लॉस्ट मीन्स क्या होता है, खो देना. तो इसका क्या होगा अपोजिट, फाउंड. फाउंड मीन्स होता है पाना. एक बार हम फिर रिपीट कर दे रहे हैं. लॉन्ग का एंटोनिम शॉर्ट. ग्रो का एंटोनिम कट. क्वाइटनेस का डिस्टर्बेंस. सोबर का फैंटास्टिक एंड लॉस्ट का फाउंड. थर्ड पे आ जाइए. फाइंड इन द पोएम लाइन्स डैट मैच द फॉलोइंग, रीड बोथ वन आफ्टर द अदर. ओके, तो हम फर्स्ट उसके बाद उसका आंसर बोल रहे हैं. द रिबेल रिफ्यूजेस टू कट हिज हेयर. तो इसका फाइंड इन द पोएम लाइन्स डैट मैच द फॉलोइंग, रीड बोथ वन आफ्टर द अदर. फर्स्ट क्या है, द रिबेल रिफ्यूजेस टू कट हिज हेयर. तो द रिबेल लेट्स हिज हेयर ग्रो
लॉन्ग. सेकेंड ही सेज कैट आर बेटर. आंसर क्या होगा? द रिबेल एक्सप्रेसेस अ प्रेफरेंस फॉर कैट्स. थर्ड है ही रिकमेंड्स डॉग्स. द आंसर इज द रिबेल इन अ गुड वर्ड फॉर डॉग्स. Fourth is he is unhappy because there is no sun. The rebel regrets the absence of sun. Fifth is he is noisy on purpose. The rebel creates the disturbance. एक बार देखिए, आप फिर से सुन लीजिए इसको. First, the rebel refuses to cut his hair. The answer is the rebel lets his hair grow long. The second is he says cats are better. The rebel expresses a preference for cats. The third is he recommends dogs. Answer is the rebel in a good word for dogs. Question fourth, he is unhappy because there is no sun. The answer is the rebel regrets the absence of sun. Fifth, he is noisy on purpose. The rebel creates a disturbance. Okay, बच्चों, तो आपकी सारी एक्सरसाइज हो गई है और मैंने पोएम भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया जो डीजे इन राइट ने आपको बताया है रिबेल के बारे में. तो रिबेल कैसे होते हैं? जो सोसाइटी के नॉर्म्स या लॉस को फॉलो नहीं करते हैं, उनका अपोज करते हैं, उनका एटीट्यूड कंट्राडिक्टरी एटीट्यूड होता है. और ये सब करने का उनका रीज़न क्या होता है? अपने ऊपर अटेंशन लाना. और ये जो पोएट ने कोई भी बिटरनेस और क्रिटिसिज्म के लिए नहीं लिखी, एकदम नॉर्मल वे में उन्होंने रिबेल को यहाँ हम लोग को बताया है कि रिबेल का नेचर कैसा होता है. तो आप लोग इसको अच्छे से पोएम पढ़ लीजिएगा, उसकी एक्सप्लेनेशन उसका और उसकी मीनिंग सारी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और सारी एक्सरसाइज लिख लीजिएगा. और सबसे इम्पॉर्टेंट पोएम का सेंट्रल आइडिया, इसको आपको अपने वर्ड्स में अच्छे से लिखना है. ओके, तो हम आगे फिर नेक्स्ट चैप्टर आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.